अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बिना ओवन और बिना तंदूर के घर के गैस के ऊपर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे हम घर के पैन में ही फ्राई करेंगे और ये सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही यमी डिलिशियस बनेगी खाने में। तरीका बहुत ही आसान है, घर के कुछ बेसिक से मसालों के साथ इसे बनाया जाता है। तो फिर चले इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट का चिकन लिया है और इसके इस तरह से मैंने पतले पतले स्लाइसेस किए हैं, क्योंकि इन्हें हमें स्कीवर्स में पिरोना है, इसीलिए स्लाइसेस को पतले रखे। ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है, साथ ही ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट है। ये पेस्ट मैंने फ्रेशली बना कर ली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक बड़ी साइज़ का मैं नींबू स्क्वीज़ कर रही हूँ। नींबू यहाँ पर फ्रेश यूज़ करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो गया है चिकन के लिए, इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। इन सारे मसालों को हमें चिकन को बहुत अच्छी तरीके से रब करना है, बहुत अच्छी तरीके से लगा के रख देना है कि लेमन जूस और सॉल्ट है ना, उसका सारा फ्लेवर चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है। इस मैरिनेशन में हमें चिकन को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह से हम इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ेंगे और इसके बाद हम सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन की जो एक मखसूस स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है और चिकन बहुत जल्दी से गल भी जाता है। तो सेकंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जीरे की पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1-1 टीस्पून काली मिर्चों की पाउडर और सफ़ेद दखनी मिर्च की पाउडर है, और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, जिसे मैं हाथों से क्रश करके ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें जाते हैं, रेगुलर जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं, बस उन्हीं मसालों से एक बेहतरीन सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी आपकी घर में ही बनके तैयार हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके बाद यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, तो मैं 5 से 6 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को अच्छी तरीके से फेंट कर ऐड करें, ध्यान रहे कि मलाई थिक होनी चाहिए। और इसी के साथ 4 से 5 टेबल स्पून के जितना मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, ध्यान रहे कि दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके दही में पानी है ना, तो उसे कुछ देर के लिए छलनी में रख के उसका सारा पानी स्क्वीज़ कर ले और उसके बाद ऐड करें। ये हमारा सेकेंड मैरिनेशन है चिकन के लिए। ये सारी चीज़ों को हमें चिकन को बहुत अच्छे से लगा के रख देना है। इस मैरिनेशन में चिकन को हमें कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके यहाँ मौसम गर्म है तो आप इस तरह से मैरिनेट करके इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपको नेक्स्ट डे बनाना है, तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। चिकन जितना मैरिनेट होगा ना, उतना सॉफ्ट एंड सर्कुलेंट बनेगा। तो मैंने तो बस 3 घंटे ही इसे मैरिनेट किया था। यहाँ पर मैंने वुडन स्कीवर्स लिए हैं, जिसे रेसिपी के शुरू में ही मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये सारे स्कीवर्स के अंदर हम चिकन को पिरो देंगे, इस तरह जिस तरह से कपड़े की सिलाई की जाती है ना, उस तरह से ये चिकन के पीसेस को हमें इसमें पिरोना है। चिकन के पीसेस इसलिए मैंने पतले रखे थे क्योंकि हमें सीग में पिरोना है और ये पतले स्लाइसेस होने की वजह से ना, बहुत जल्दी और आसानी से गल भी जाते हैं। तो इस तरह से आपको जितने पीसेस इसमें अरेंज करने हैं, उस तरह से कम या ज़्यादा आप इसमें पीसेस अरेंज कर सकते हैं। ये चिकन इतनी अच्छी तरीके से मैरिनेट हुआ है ना, कि अभी से चिकन इतना सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही आसानी से इसे स्क्वायर्स में पिरोया जा सकता है। घर में मलाई टिक्का बोटी बहुत ही आसानी से घर के पैन में ही बन जाती है, लेकिन फ्लेवर इसका बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट्स की तरह आता है। आप एक बार जब इस तरह की मलाई टिक्का बोटी घर में बनाएंगे ना, तो आई एम श्योर आप दोबारा कभी इसे रेस्टोरेंट से नहीं खरीदेंगे। इस तरह से सारे चिकन के पीसेस को हमें स्कीवर्स में पूरा पिरोना है।
बिल्कुल सेम तरीके से हमें चिकन के सारे पीसेस को स्कीवर्स में पिरो कर रख देना है। आप चाहे तो इसे ओवन में ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको पैन में बनाना सिखा रही हूँ, तो इसे हम एक नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे। तो पैन के अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। पैन जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें हम बटर ऐड करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, लो फ्लेम पर ना बनाएं, वरना चिकन और दही है ना वो पानी छोड़ने लगेगा और सारा मैरिनेशन उससे उतरने लगेगा। तो पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर ले, उसके बाद उसमें बटर ऐड करें। बटर से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसी तरह गर्म गर्म पैन में स्कीवर्स लगा दे सारे। यहाँ पर मैं तीन तीन करके स्कीवर्स को रोस्ट करूँगी और बस 2 से 3 मिनट एक साइड और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड हमें इसे पकाना है। इसे अच्छे से गोल्डन मार्क्स आने तक पकाएंगे। चिकन बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हुआ है तो ये गल भी बहुत जल्दी जाता है। मीडियम फ्लेम पर पकाए ताकि चिकन पानी ना छोड़े। इस तरह जब एक तरफ से उसमें अच्छे से ग्रिल मार्क्स आने लगे ना तो इसे पलट के दूसरी साइड से पकाएंगे। और इसी तरह से अलट पलट के इसे चारों साइड्स पर से हमें पकाना है ताकि हर तरफ से इसे अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ जाए। चिकन तो हमारा रोस्ट हो रहा है, तब तक आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे बहुत सारा शेयर करें। ये देखिए बोलते ही बोलते चिकन हमारा ग्रिल भी हो गया है, गल भी गया है बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी इसमें ऐड किया है और इसे भी हम ग्रिल कर लेंगे। इस तरह से मैंने चिकन के सारे स्कीवर्स को ग्रिल कर लिया है। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आज एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूर वाला फ्लेवर देने वाले हैं। तो मैं इसे इस तरह की एक ग्रिल पे रख के गैस के ऊपर ग्रिल कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, जिससे इसे एकदम होटल के तंदूर में जिस तरह से बनाते हैं ना और स्मोकी फ्लेवर आता है और ग्रिल मार्क्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इफ़ेक्ट इसके ऊपर आएगा और कोई बता ही नहीं सकेगा कि आपने इसे घर के गैस के ऊपर सेका है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और इस तरह से ग्रिल करने से ना एकदम रियल तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है इसमें। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बटर अप्लाई करें, बटर से ब्रश करें और गैस के ऊपर सेक लें। अगर आपके पास इस तरह की ग्रिल नहीं है ना तो आप एक एक स्कीवर को हाथ में उठा के थोड़ा सा केयरफुली उसे गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। बस चिकन तो गला हुआ है, बस इसके ऊपर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाए और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए ना, उतना ही बस 2 से 3 मिनट इसे ग्रिल करेंगे और बस आपका ये लजीज चिकन मलाई टिक्का बोटी घर में ही बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम सारे स्कीवर्स को ग्रिल कर लेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बनने के बाद कोई आपको बता ही नहीं सकेगा कि आपने इसे गैस पे ग्रिल किया है, एकदम तंदूर वाला इफ़ेक्ट इसे आया है। तो चले, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।